हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफतारी, अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान। Hi guys, welcome back to my channel. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मटन पुलाव और भी देखते हैं क्या बनाना है। तो सबसे पहले हम मटन पुलाव की तैयारी शुरू कर लेंगे। मटन गलाने के लिए मैंने 1 teaspoon नमक ले लिया है और 4 लौंग ले ली है, 3 तेज़पत्ता ले लिया है और 1 इलायची ले ली है। कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम तेज़पत्ता, इलायची और लौंग डाल देंगे। मैंने मटन अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम इसे भी कुकर में डाल देंगे। मैं थोड़ा मटन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इफ्तारी में वैसे भी बहुत सारी डिशेस होती हैं खाने के लिए। अब हम 1.5 glass वाटर डाल देंगे। और नमक भी डाल देंगे। अब हम कुकर को ढककर रख देंगे हाई फ्लेम पर, और जैसे ही 2 whistles हो जाएं तो हम इसे 15 मिनट्स लो फ्लेम पर रख देंगे, तो इससे मटन अच्छी तरह गल जाएगा। मटन के लिए मैंने 2 onions कट कर लिए हैं, 1 tomato कट कर लिया है और 1 बड़ा आलू कट कर लिया है। तो आज हम मटन पुलाव मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। मैंने इसमें तेल डाल दिया है और अब हम डालेंगे तेज़पत्ता। ऑनियन डालकर हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ऑनियंस अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं आलू डाल दूंगी। अब हम 2 चम्मच हरा मसाला डाल देंगे। हरा मसाला अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है। वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 teaspoon धनिया पाउडर भी डाल देंगे। टोमेटोज भी डाल देंगे। और अब डाल देंगे 2 चम्मच दही। कुकर में जो हमने मटन पकने रखा था वो पक चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिया और वही पानी भी हमने इसी में डाल दिया है। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसमें 3/4 glass राइस डाल दिया है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था मटन गलाने के लिए। अब हम राइस के हिसाब से 1.5 teaspoon नमक डाल देंगे। और 1.5 glass पानी भी डाल देंगे। अब इसे पकने रख देंगे। अब हम शरबत की तैयारी कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ बादाम का शरबत, तो उसके लिए मैंने मिल्क में 4 teaspoon शुगर डाल दिए हैं। अब हम कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में डालना, वरना लम्स आ जाएंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है, अब हम अच्छी तरह स्टर कर लेंगे।
बॉईल आ जाने के बाद हम ये बादाम का पाउडर भी डाल देंगे 2 पैकेट, और वैसे आप ये पाउडर ठंडे दूध में डालकर भी पी सकते हैं। और हमने जो कीमा पेटिस बनाया था, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, तो उसका आलू थोड़ा बच गया है, तो मैं इसकी आलू टिक्की बना लूँगी। मैंने ऑनियंस चॉप कर लिए हैं और एक हरी मिर्च ले ली है, और मैंने ले लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इसे भी डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने बना लिया है, अब हम इसे अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे।